हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स प्राजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट का जो है जिसका नाम है पूर्णांक की समझ, ये चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 का देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो पहला का देखिए ए नंबर दिया गया है -5 और 5, इसके बीच में कौन कौन सा पूर्णांक आएगा आपको लिख के बताना है। देखिए -5 के बाद क्या आएगा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यही सब आएगा। बी नंबर देखिए, बी में कहा गया है -2 और 8, -2 और 8 के बीच में देखिए -1 आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सी में देखिए, सी में कहा गया -6 और -2, -6 के बाद क्या है -5, -4, -3, -2, और -2 तो यहाँ पहले सही है यानी ये नहीं लेंगे। और डी में देखिए, डी में कहा गया -4 और -10, इसके बीच बताना है। तो -4 तो नहीं लेंगे, -3 और नहीं लिखे, -10 पे जाना है ना, -4 के बाद वाला लीजिए, -5, -6, -7, -8, -9। तो पहला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर गोला लगाइए। देखिए 2 का ए नंबर दिया गया है -20 और क्या है फर्स्ट नहीं दिख पा रहा है, शायद 4 लिखा होगा, -20 4, कहता इसमें जो बड़ा कौन सा है, -20 या फिर 4। तो हम लोग जानते हैं माइनस में जो जितना ज़्यादा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। फिर आपको मान लीजिए लिखा गया -10 -20, माइनस में ये आपको ज़्यादा दिख गया मतलब ये छोटा है, बड़ा कौन है -10, या अगर मान लीजिए अगर माइनस में नहीं दिखता ऐसा दिखता -10 20 तो पूछता कौन बड़ा है, तब जो 20 क्या हो जाता, बड़ा हो जाता, 10 क्या होता, छोटा। लेकिन जैसे ही 20 पे मान लीजिए माइनस लगा देंगे इस कंडीशन में अब क्या हो जाएगा, 10 बड़ा हो जाएगा, 20 छोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस में इसमें लग गया है। और जब मान लीजिए दोनों में माइनस लगा देंगे तो तब भी देखना माइनस मतलब ज़्यादा कौन है, -20 है तो ये -10 बड़ा होगा, ये छोटा होगा, क्या देखिए 4 क्या हो जाएगा, बड़ा, गोल कर दीजिए। डी में देखिए क्या बोला गया, -15 -8, अभी जस्ट आपको बताए हैं कि माइनस में जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। देखिए यहाँ 15 दिख रहा है माइनस का, ये माइनस का 8 दिख रहा है, यानी 15 ज़्यादा दिख रहा है माइनस में मतलब ये छोटा है, बड़ा क्या है -8। सी में देखिए 0 और क्या क्लियर नहीं दिख पा रहा, शायद लग रहा है -5 है -5, अरे यहाँ कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, ये देखिए -5 है ये 0 है, इसका मतलब हुआ -5 का मतलब कि आप 5 रुपये किसी से कर्ज लिए हैं, आप पर जो है 5 रुपये किसी का कर्ज है। 0 का मतलब हुआ कि ये अगर किसी को 1 भी रुपये दिया नहीं है, किसी का 1 भी रुपये लिया भी नहीं है। 10 कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास 10 रुपये हैं। 2 कहने का मतलब हुआ कि मेरे पास 2 रुपये हैं। -10 कहने का मतलब हुआ कि मैंने किसी से 10 रुपये कर्ज लिया है। -2 कहने का मतलब हुआ कि मैंने किसी से 2 रुपये कर्ज लिया है। यहाँ देखिए यहाँ क्या, 0 और -5 यानी कि मैंने किसी से -5 रुपये कर्ज लिया, आपको चुकाना पड़ेगा, हम तो छोटा है, 0, ये किसी से लिया भी नहीं है, किसी से दिया भी नहीं, 0 ज़्यादा हो जाएगा, 0 को गोल कर दीजिए।
डी में देखिए लिखा है माइनस 20 माइनस 7। देखिए माइनस में जो जितना ज़्यादा दिखता है वो उतना ही कम होता है, 20 ज़्यादा दिख रहा मतलब ये कम है, बड़ा हो गया माइनस 7। ई में 25 माइनस 2, 25 तो फिर से दिख रहा है बड़ा है तो लगा दीजिए। एफ में माइनस 20 माइनस 18, ये ज़्यादा दिख गया माइनस में मतलब ये कम है, तो माइनस 18 क्या हो जाएगा ज़्यादा। इसको नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।